आपने क्या रहेगा, क्या सोचा है आपने, क्या करना चाहते हैं अपने? एक शपथ मैंने पार्लियामेंट के अंदर ली है, भारत का लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, और दूसरी शपथ मैंने यहाँ इन पैड़ियों पे ली है पार्लियामेंट के सामने कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन महापुरुषों का अधूरा सपना उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस देश में बेगमपुरा राज आए, बेगमपुरा यानी कि बिना गम का राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा राज हो जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, सब लोग इज्जत सम्मान चाहिए। आज भी हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला है, आज भी हमारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज उठाएं। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार, जातीय जुल्म इतना हो रहा है, बैकलॉग कहां है, प्रमोशन रिजर्वेशन कहां है? अभी तो जब राष्ट्रपति अभिभाषण होगा उसके बाद सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। आज भी हमारे लोगों पर जमीन नहीं है, आज भी हमारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं, सरकार ने हमें दिया क्या है? तो हम अपने लोगों के आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आए और उसको हम करके दिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर मायावती जी, उनका कहना है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन मिल गई है, एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म करना है। कैसे खत्म कर देगी सर, हम हैं तो यहाँ आवाज उठाएंगे, हमारे लोग जागरूक होंगे, सड़कों पे जो है हम लोग खड़े रहेंगे, हम मजबूर कर देंगे सत्ता को, सत्ता अहंकारी ना हो। और विपक्ष के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता सर, उनको अपना ड्यूटी करनी है, अब देखते हैं वो कितनी ड्यूटी करते हैं, वोट तो उन्होंने लिए। यहाँ की बात की जाए तो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में है, आपने अभी अनाउंस नहीं किया, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? सर मैं भारतीय संविधान की तरफ खड़ा हूँ और मुझे बोलने के लिए जब जब मुझे किसी विषय पे चर्चा होगी तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा। मैं अपनी पार्टी का इकलौता सांसद हूँ, अपनी पार्टी में सदन का नेता हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा मजबूती से। और उस बात के साथ कौन खड़ा होता, हम प्राइवेट बिल भी लाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे लोगों के वंचितों के हक के साथ कौन खड़ा होता।